दोस्तों आज हमारी बीवी हमारे नजरों के सामने गिर गई। लगभग 10 साल बाद मुझे अपने शहर राउरकेला में दुर्गा पूजा देखने का मौका मिला था और शादी के बाद पहली बार अपनी बीवी के साथ हम दुर्गा पूजा देखने आए थे। पंडाल में एंटर करते वक्त हमने देखा यहाँ नर और मादाओं के बीच कोई फर्क नहीं किया जा रहा था। जेंट्स वाले लाइन में लड़कियां भी घुस रहे थे। फिर मैंने दुर्गा माँ से निवेदन किया हमारी जिंदगी की राह को रोशनी से भर दे। फिर अचानक चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। ओ मैडम ध्यान से चलो, हाँ अंधेरा है। हेलो, अंधी नहीं मैं, समझे? अपने गांव में अंधों को रास्ता दिखाती थी मैं। हुई माँ? अरे बहन बहन बहन, क्या हुआ बहन? अंधेरा बाद में मिटेगा, पहले ये गड्ढा मिटाओ सालो। अरे जोर की लगी है क्या? हाँ यार। फिर ठीक है क्या? अरे कुछ नहीं। अरे दीदी डोंट वरी, मैं डॉक्टर हूँ, अभी ठीक करके देती हूँ। अरे वहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट? यूट्यूब यूनिवर्सिटी। चल इस बीच बिजली आ जाती है। अच्छी अगरबत्ती है, स्मेल भी अच्छी। अरे बेटे पूरा मोहल्ला खुशबू में भर जाएगा, ये लो चार पैकेट ले लो। अरे नहीं अंकल, हमें पूरा मोहल्ला नहीं अपना घर ही महकाना है। अरे बाप रे, पैसे तो कहीं गिर गए अंकल। क्या? ओह नो। फिर ये पैकेट्स क्यों खुलवा दिया बेटी? मेरा 40 रुपए का नुकसान हो गया, अब कौन इसकी भरपाई करेगा? फिर हमारी बहन ने अपने दिमाग में भरे भूसे का इस्तेमाल करते हुए अंकल को मथुरा के पेड़े खिला के चुप करा दिया। बेटा पेड़ा खिला के एड़ा बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे ना तुम लोग? अंकल हम लोग फूड ब्लॉगर नहीं है। Okay. चलो मुझे आशीर्वाद दीजिए, एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड मिल जाए। क्या बेटी, 100 बॉयफ्रेंड मिलेगा तुझे, तथास्तु। अरे अंकल ये क्या कर दिया, मुझे बस एक ही बॉयफ्रेंड चाहिए। ओके okay, okay, कोई बात नहीं बेटी, बाकी 99 को अभी कैंसिल कर देता हूँ। हाथ दिखाओ। ओम मंगलम भगवान विष्णु, बाकी 99 लोग भाग के बोस स्वाहा। nice. अबे यार ये गाय भैंसों के लिए भी कोई पब्लिक टॉयलेट बनाओ यार, जहाँ मन किया वहाँ हक देते हैं। मैं तो हगेगा साला। What? अबे क्या हो गया? अरे लगता है पैसे में घर में भूल आई। क्या बात कर रहे हो, ठीक से देखो यार। अरे नहीं भाभी, बस 4 रुपए चिल्लर पड़े। अरे बोल क्या चाहिए तुझे, मैं दिला दूंगी। अरे दीदी आपके पास तो पैसे नहीं है। उसकी टेंशन मत ले रहे, ये चाहिए क्या बोल? हाँ चाहिए, ले पकड़, अब भाग मेरे साथ। अरे मैडम पैसा तो दे। अरे आंटी यहाँ से डालू तो चलेगा ना? बेटी हमारे माथे में कुछ लिखा है क्या? लाखों कोशिश करने के बाद भी हमारी बहन कुछ ना जीत पाई। एक लुटेरी को लूट डाला तुम लोगों ने। What? राहुल गांधी कभी माफ नहीं करेगा तुम लोगों को। भैया वो कितने का दिए? नहीं उसके बाजू वाला। ये 600 का है मैडम। इतना महंगा? ये स्पेशल झुमके है मैडम, जो भी सिंगल लड़की है पहनती है अगले दिन उसकी शादी हो जाती है। अगर कोई शादीशुदा है इसको पहन ले तो उनकी दूसरी तीसरी शादी हो जाएगी, ट्राई करके देखिए। फिर हमारी नजर पड़ती है दुबई स्पेशल फ्रूट जूस सेंटर में। ओ माय गॉड, भैया यहाँ दुबई का जूस मिलता है क्या? जी मैडम। तो आप लोग भी दुबई से आए हो क्या? मैडम जो लोग चाइनीज बेचते हैं वो लोग क्या चाइना से आते हैं क्या? बात तो सही कहा आपने। ये लीजिए मैडम। तू पिएगा क्या भाई, ये ले। अरे वाह थैंक्स रे। थैंक्स न को रे, पैसे भर दे चल। फिर हमारी बहन इस अचार वाले को लूटने के लिए पहुंच जाती है। भैया जो भी इसमें से अच्छा लगेगा सब मैं 5-5 किलो लेने वाली हूँ, जरा एक एक करके सब चखाइए प्लीज। जी मैडम ये लीजिए। कुछ मजा नहीं आ रहा, दूसरा दीजिए। ये वाला। ये लीजिए मैडम। कुछ तो कमी है भैया, ये वाला दीजिए। ये लीजिए। कुछ इस तरह आधा किलो अचार खा लेने के बाद मेरी बहन मुझसे बोली, चल भाई अब भाग मेरे साथ। हे भगवान, दोस्तों इसके साथ घूमना खतरे से खाली नहीं है, ऐसा कभी ना हो के लोग इसके बदले मुझे पटक पटक के धो डाले। और मैडम आप ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। जुग जुग जियो। जैसे तैसे भीड़ से बचाते बचाते मैंने इन लोगों को मेले से बाहर लेके आ गया। दोस्तों आते वक्त हमारी बीबी ठीक इसी जगह पे गिरी थी, अब देखते हैं जाते वक्त वापस गिरती है कि नहीं। हुई माँ, मैं फिर से गिर गई। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स नहीं दिए तो मैं अपने बीबी के नजरों के सामने गिर जाऊंगा।